थैंक यू।
जयंता बोल रहा हूँ। दिनोबंधु टेबल टेनिस एकेडमी प्लेयर्स को मेरा नमस्कार और अमित दादा का मेरा प्रणाम। मैं ठीक हूँ और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आप सब भी ठीक हो। ये लॉकडाउन सबके लिए काफ़ी मुश्किल समय है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें काफ़ी मोटिवेटेड रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिविटी है, बहुत ये कोरोना वायरस ऐसा है, ये है वो है, लॉकडाउन, तो जो भी सुन रहे हैं हम बहुत नेगेटिव सुन रहे हैं। तो हमारा जो मनपसंद, हमें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए हमें इस समय पे। अगर फैमिली के साथ टाइम बिताना है वो बिताइए, या आपका कुछ हॉबीज़ है तो वो फॉलो कीजिए। तो जो आपको खुश रखे और आपको जो पॉजिटिव रखे वो फॉलो कीजिए पहले। और सेकेंड चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको एक रूटीन चाहिए, रूटीन मेंटेन करना है कि हर रोज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, जैसे नॉर्मली उठते हैं, देर से मत उठिए और रात को देर से मत सोइए, जल्दी उठिए और अपना फिज़िकल एक्सरसाइजेस अगर हो सकता है कीजिए, क्योंकि किसी के पास घर पे जगह नहीं हो सकता है या इक्विपमेंट नहीं हो सकता है, तो अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो चढ़िए, या स्किपिंग कर सकते हो कीजिए, या योगा मेडिटेशन कर सकते हो तो वो कीजिए, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिए। मेरे घर पे भी मेरे पास टेबल नहीं है तो मैं भी उतना खेल नहीं रहा हूँ, मगर मैं हर रोज़ थोड़ा रैकेट लेता हूँ, बॉल लेता हूँ, थोड़ा नॉकिंग करता हूँ, मतलब अपने टैपिंग जैसे कुछ करता हूँ, या सर्विस के एक्शंस करता हूँ, या शैडो प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ा हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहिए। और टेबल टेनिस का वीडियोस भी देखते रहिए, सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स का वीडियोस देखिए, खुद का वीडियोस देखिए, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो, अपने खुद के बारे में भी जान सकते हो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपका अच्छा हो रहा है, कि आपका फॉरहैंड ऑप्शन अच्छा है या बैकहैंड ऑप्शन अच्छा है, सर्विस के बाद क्या कर रहे हो, पोजीशन अच्छा है, तो वो सब थोड़ा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, टेबल टेनिस के बारे में सोचते रहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा और शुरू होगा वापस क्लब्स, तब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी फिटनेस पे या इन सब में, तो तब हमें रेडी रहना चाहिए खेलने के लिए और अच्छा खेलना चाहिए। तो सबको यही विश करूँगा कि आप सब अच्छे खेलो और खुश रहो।